Good morning student, Jai Sharde Ma. Today we are starting a new lesson, Unit 1C, Basic ITC Skill 2. First of all, ICT means what? Information Communication Technology. ICT ka full form kya hai? Information Communication Technology. Now, first of all, session number 1, that is the word processor. Documentation using a word processor. That means our word document, yani ki apna Microsoft Word. The term word processing refers to the process of keying in formatting, editing and laying out the contents of a document in a software. Word processing ka meaning kya hai? Is a process of keying, means how to write, kahan se likhna hai, kaise likhna hai, usko format kaise karna hai, editing kaise karna hai, uska layout mein kaise rakhna hai. वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि ये सभी चीज़ें हमें किस में करनी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू. द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर. यानी कि ये सभी चीज़ करने के लिए, यानी कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग ये चीज़ बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड प्रोसेसर. अ वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक इन्विटेशन कार्ड, न्यूज लेटर्स, रिज्यूम्स, लेटर्स, नोटिस, विजिटिंग कार्ड्स, greeting cards, books, booklets, pamphlets, calendars, reports, etc. यानी कि ये सभी चीज़ आप लोग document के through, यानी कि word processor के through बना सकते हो, जिसमें invitation card भी हो सकता है, newsletter भी हो सकते हैं, आप लोग अपने resume यानी कि CV भी बना सकते हो, letters भी हो सकते हैं, notice भी हो सकती है, visiting cards भी हो सकते हैं, आप लोग अपनी book जो है या आप जो book बनाएगी आपके सामने present है वो भी book आप लोग वहाँ पर उसके through बना सकते हो. And you can also calendars या reports भी वहाँ पर बना सकते हो. कैन बी क्रिएटेड इजिली विद द हेल्प ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर मॉडेम. यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ हम लोग किसके थ्रू बना सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू. मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स आर नॉट ओनली अलाउिंग कीइंग इन एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, दे ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक एट पावरफुल फीचर्स टू इंसर्ट एंड हैंडल इमेजेस. फीचर्स लाइक अप्लाइंग स्पेशल इफेक्ट्स टू द कंटेंट, इंसर्टिंग शेप्स, डायग्राम्स एंड चार्ट्स, लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स विद अदर एप्लीकेशन एंड पब्लिशिंग एंड शेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन. यानी कि जो अपना मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें सिर्फ ये सभी यानी कि एडिटिंग करना, उसको कैसे लिखना, उसको कैसे फॉर्मेटिंग करना, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग करना है, ये कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा. लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको बेसिक पावरफुल फीचर्स भी प्रोवाइड करेगा, जिसमें इंसर्ट एंड हैंडल इमेजेस, कि हाउ टू इंसर्ट द इमेज, हाउ टू हैंडल द इमेज, फीचर्स लाइक द अप्लाइंग स्पेशल इफेक्ट, कि कोई भी पिक्चर्स हमने इंसर्ट किया तो उसको कैसे स्पेशल इफेक्ट देना है, वो सब कुछ. इंसर्टिंग शेप्स, कि आपको पर्टिकुलर कोई भी एरो के या फिर कोई भी ट्राइंगल के थ्रू कोई भी शेप्स इंसर्ट करने हैं, डायग्राम ड्रॉ करने हैं, चार्ट भी ड्रॉ करना है, या फिर लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स को आपको लिंक करना है, तो ये सभी चीज़ आप लोग ऑनलाइन यानी कि वर्ड प्रोसेसर के थ्रू करवा सकते हो. वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, एसी, नीटनेस एंड स्पीड. यानी कि वर्ड प्रोसेसर में आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, कि आपको कैसे वर्क करवाना है, किस तरीके से वर्क करवाना है, वो सब कुछ. नीटनेस यानी कि कोई भी अगर आपको कोई भी गलती होती है तो आप लोग उसको करेक्शन भी करवा सकते हो, ईजी है और स्पीडी भी है, कि आपको थोड़ा सा वर्क आपको कुछ ही सेकंड में वो चीज़ ख़त्म करके आप लोग प्रोवाइड उसको कर सकते हो. वर्ड प्रोसेसर कैन हेल्प यू टू करेक्ट एनी स्पेलिंग मिस्टेक मेड एंड ऑल्सो प्रॉम्प्ट यू व्हेन यू मेक अ स्पेलिंग एरर. यानी कि अगर आप लोग कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो उसको करेक्ट भी करता है, या फिर आपको वो बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, तो उसका जो एरर होगा वो भी आप लोग उसको वहीं से करेक्शन करवा सकते हो. इंसर्ट और ओवरराइट अ वर्ड और सेंटेंस और पैराग्राफ एनी वेयर इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. यानी कि अगर आपको कोई भी पैराग्राफ कहीं से भी आपने कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट करवा सकते हो. एक ही पैराग्राफ दो बार लिखना है तो आप लोग दो बार भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी. आपको सेंटेंस में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, या फिर पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी लिखना है, तो वो चीज़ आप लोग इजिली वहीं से लिख सकते हो. दिस हेल्प्स टू मेंटेन द नीटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. यानी कि ये चीज़ क्या हेल्प करेगी, नीटनेस का. आपको एक ही चीज़ एक बार यानी कि काफ़ी बार लिखनी होगी तो आपको कॉपी पेस्ट के थ्रू वो चीज़ लिखवा सकते हो. This task is called editing the document. यानी कि ये जो टास्क रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, editing the document. यानी कि आपको वापस वही चीज़ आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं, बट उसको एडिट के थ्रू हम लोग उसको वहीं पर लिखवा सकते हैं.
प्रिंट अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय यू एंड ऑल्सो स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज, कि अगर आपको डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट करनी है तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, या फिर आपको अगर फ्यूचर में यूज़ करना है तो उसको यूज़ भी यानी कि उसको स्टोर भी कर सकते हो, यानी कि अपनी हार्ड डिस्क में या फिर अपने फोल्डर में कहीं पर भी पेन ड्राइव में आप लोगों को अगर स्टोर करना है तो भी आप लोग स्टोर करवा पाओगे विदाउट अ वरी ऑफ इट गेटिंग मिसप्लेस फेडिंग. यू कैन ऑल्सो प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल कमांड, कि आपको वहाँ पर कोई भी ऐसा टेंशन नहीं रखना पड़ेगा कि मैंने कॉपी कहाँ पर रखी थी, कौन से प्लेस पर रखी थी, या फिर आपको उसको हर बार ढूंढने की जरूरत रहेगी नहीं. तो उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपकी कॉपी जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए सेव हो जाएगी, अगर आपको दूसरी बार उसको यूज़ करना है तो यूज़ भी कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट आउट द मल्टीपल कॉपीज, की जैसे हम लोग जेरोस करते हैं बेस की 5 कॉपीज हमें निकाल के दे दो, तो प्रिंटर के थ्रू सिंगल कमांड के थ्रू आपको जितनी भी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो उतनी मल्टीपल कॉपीज आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो. चेंज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट बाई चेंजिंग द साइज ऑफ द वर्ड्स, मेक देम बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, यानी कि अगर आपको डिफरेंट पोर्शन के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट को चेंज करना है, उसके हैंड राइटिंग चेंज करनी है, या फिर कोई भी ऐसे लेटर है जिसको बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है, उसकी साइज चेंज करनी है फॉन्ट की, तो आप लोग ये सब कुछ अपने हिसाब से करवा सकते हो, यानी कि बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी करवा सकते हो. इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स एंड पेज नंबर्स, यानी कि आप लोग इंसर्ट कोई भी पेज को इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी पैराग्राफ को इंसर्ट करवा सकते हो, या फिर कोई भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो. हेडर एंड फुटर, जैसे कि आपकी हर एक की बुक में होता है हेडर एंड फुटर, यहाँ पे जो हेडर दिया गया है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ फुटर, और जो अपस्ट्रेट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेडर. उसके हिसाब से भी वो चीज़ आप लोग यहीं से करवा पाओगे, यानी कि अगर आपको पेज नंबर भी देना है, आपकी बुक की हर एक बुक में आपको एक पेज नंबर दिया गया होता है तो वो भी आप लोग यहीं से उसको दे पाओगे, यानी कि ईच एंड एवरी बुक दैट विल बी इन द फुटर साइड ऑफ द पेज नंबर, दैट इज नॉट कंपल्सरी कि फुटर साइड पे ही हो, उसको हेडर के थ्रू भी आप लोग वहीं से उसको इंसर्ट करवा पाओगे. प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि अगर आपका कोई भी ऐसा डेटा है जो आपको टेबुलर यानी कि टेबल के थ्रू इन्फॉर्म करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेबल फॉर्म में देनी है, तो भी आप लोग वहीं से उसको डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करके आप लोग उसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. इंसर्ट पिक्चर्स एंड इमेजेस इनटू डॉक्यूमेंट, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट द पिक्चर्स एंड इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपको पिक्चर भी इंसर्ट करना है या फिर आपकी कोई भी इमेज भी इंसर्ट करनी है तो भी आप लोग उसमें इंसर्ट करवा पाओगे. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द इंसर्ट मेनू एंड क्लिक ऑन द इमेज अदरवाइज पिक्चर्स, तो उस पर इंसर्ट करके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी इमेज को या फिर पिक्चर को आप लोग डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा पाओगे. नाउ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन ओपन ऑफिस, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइटर. इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट विल बी कॉल्ड द राइटर, यानी कि अगर दूसरे दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं तो हम लोग उससे क्या कहेंगे, राइटर, जिसमें से फर्स्ट वन ओपन ऑफिस है जिसका नेम है राइटर, जो डेस्कटॉप बेस्ड है. सेकंड वन वी कैन यूजुअली यूज्ड एमएस वर्ड यानी कि अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड द लास्ट वन इज द गूगल डॉक्स इज द इंटरनेट बेस्ड, यानी कि इंटरनेट इसमें ज़रूरत रहेगी, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जिससे हम लोग रेगुलरली उसको यूज़ करवाते हैं. नाउ एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉमनली नोन एज वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप लोग क्या बुला सकते हो, वर्ड, इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी कि वो किसका पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का वो सॉफ्टवेयर, यानी कि एक पैकेज है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर है. इट इज़ यूजफुल टूल फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, यस, वो किसके लिए यूज होता है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, कि अगर हमें रिपोर्ट बनाना है या फिर कोई भी लेटर लिखना है या फिर कोई भी कैलेंडर लिखना है या फिर कोई भी पैम्फलेट छपवाना है, नोटिस लिखनी है, तो उसके लिए वो ज़्यादातर यूज़ होता है. नाउ यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ टू ओपन द एमएस वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन क्लिक ऑन द वर्ड, यानी कि उसको आप लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज आपको क्या है, दूसरा शॉर्टकट की है, प्रेस इन योर कीबोर्ड विंडोज आर एंड देन यू विल बी राइट डाउन विन वर्ड, क्या लिखना पड़ेगा, विन वर्ड, WINWORD, उसके लिखने का और एंटर की प्रेस करने से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा. नाउ Creating a new document. If you want to create a new document, you can press the simple, that is a control N. आप लोग क्या प्रेस करोगे, control N. Control N is a shortcut key of
न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि कंट्रोल एन क्या है, आपकी शॉर्टकट की है, अगर नई फाइल आपको बनानी है या फिर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आप लोग उसको यूज़ करवा पाओगे। अदरवाइज इफ क्लिक ऑन द क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब, यानी कि फाइल मेनू में जाके आप लोग सिलेक्ट यानी कि न्यू ऑप्शन को भी सिलेक्ट करोगे तो भी आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो जाएगा। जो आपको यहाँ पर फिगर दी गई है दैट इज़ द 2013 फॉर्मेट, तो आप लोग डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन प्रेस द कंट्रोल एन, तो कंट्रोल एन प्रेस करने से भी आपका नया डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा। नाउ एडिटिंग डॉक्यूमेंट, द टर्म एडिटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एडिटिंग का मीनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग, अगर कोई भी स्पेलिंग हम लोगों ने गलत लिखा है तो उसको हम लोग करेक्ट करवाएंगे, इज अ वन टाइप ऑफ एडिटिंग अ टेक्स्ट। देन डिलीटिंग, अगर हम लोगों ने कोई भी गलती की है तो उसको हम लोग डिलीट करवाते हैं, या फिर कुछ हम लोगों को लिखना था लेकिन लिख लिया हम लोगों ने कुछ और है तो हम लोग उसको डिलीट करवा, इज अ वन टाइप ऑफ एडिटिंग। एंड ऑल्सो मॉडिफाइंग, यानी कि कोई भी स्पेलिंग हम लोगों ने लिखा है वो गलत लिखा था लेकिन उसको हम लोग मॉडिफाई के थ्रू उसको चेंज करवाते हैं, बट ये सारी चीज़ हम लोग किस में करवाएंगे, डॉक्यूमेंट में। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिंग। बिफोर एडिटिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द टेक्स्ट सिलेक्शन, लेट्स लर्न अबाउट इट, हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, के टेक्स्ट को हमें कैसे सिलेक्ट करना है, किस तरीके से हम लोग कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग टेक्स्ट। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपके सामने अगर कोई भी पैराग्राफ है तो हम लोग उसको कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द माउस कर्सर एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि यूजिंग द माउस, माउस के थ्रू भी आप लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाओगे। अगर लेफ्ट क्लिक आप लोग यूज करते हो, जितना भी आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो उतना सिलेक्ट कर लो। एंडिंग यानी कि स्टार्ट टू एंड, यानी कि जहां से हमें स्टार्ट करना है वहीं से हम लोग उसको एंड तक उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन इज द प्रेस द माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द एंड एंड स्टार्ट, कि सेकेंड वन क्या होगा कि माउस बटन को यानी कि लेफ्ट बटन ऑफ द माउस उसको ड्रैग यानी कि उसको क्लिक करो एंड ड्रैग करो, जहां से आपको जहां तक मीन्स के जिस फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जहां तक आपको उसको रुकना है, एंड टू स्टार्ट या फिर स्टार्ट टू एंड, आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना से पार्ट सिलेक्शन करना है। ऑफ द टेक्स्ट एंड रिलीज द माउस बटन, यानी कि पूरा सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, उसके माउस बटन को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आपका माउस जो यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग द टेक्स्ट, हाउ टू डिलीट और रिमूव द टेक्स्ट। वी कैन डिलीट एंड रिमूव द टेक्स्ट एंड ऑल्सो सिलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक इमेज, शेप्स एक्सेट्रा। टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि अगर टेक्स्ट को या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसको हमें डिलीट करना है, या फिर इमेज ली है या फिर शेप लिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है तो उसको अगर हमें डिलीट करना है तो उसके दो तरीके हैं उसको डिलीट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द डिलीट की, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल डिलीट की हम लोग किसके थ्रू यूज करते हैं। नाउ प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट हैज टू बी रिमूव्ड बाय माउस क्लिक और एरो कीज एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। डिलीट की दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द टेक्स्ट। अगर मुझे कोई भी चीज को डिलीट करना है तो वो चीज अगर मेरा माउस का कर्सर जहां पर भी होगा उसके राइट हैंड साइड पार्ट में जो भी लिखा होगा वो डिलीट होगा, यानी कि आपके राइट हैंड साइड का नहीं बट जो भी टेक्स्ट है उसके राइट हैंड साइड पार्ट में जो भी लिखा होगा, चाहे उसमें डिलीट की लिखा हो या फिर कोई भी एनीथिंग एल्स लिखा हुआ हो, तो वो चीज़ डिलीट होगी। या फिर आप लोग माउस के थ्रू भी उसको डिलीट कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट की, यानी कि माउस के थ्रू उसको सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद आप लोग यानी कि डिलीट की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सेकेंड वन इज बैकस्पेस, यस प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि अगर टेक्स्ट मेरा एंड है यानी कि कोई भी टेक्स्ट को मुझे डिलीट करना है बट बैकस्पेस जो भी डिलीट करेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को ही डिलीट करेगा और किसी चीज को वो डिलीट करेगा नहीं। या फिर अगर आपको वो डिलीट करना है या फिर कोई भी, तो यू कैन यूज द सिलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड बैकस्पेस की को भी आप लोग यूज कर सकते हो। सो दोनों की आपके कीबोर्ड में दी गई होती है, डिलीट की ऑन द राइट हैंड साइड के पार्ट को डिलीट करेगा
इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, और जो बैकस्पेस की है वो क्या है, एंड एंड ऑफ, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को डिलीट करेगा, उसके लिए बैकस्पेस की यूज़ की जाती है जो आपको ऑलरेडी पता ही है। इंसर्टिंग टेक्स्ट, नाउ न्यू टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड बिटवीन द एग्जिटिंग टेक्स्ट बाय प्लेसिंग द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। यानी कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है किसी भी जगह पे, आप लोग उसको टेक्स्ट को इंसर्ट करवा सकते हो। जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसको भी आप लोग उस वहीं से उसको मिस उसमें बीच में भी अगर आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो भी आप लोग बीच में भी टेक्स्ट को इंसर्ट करवा पाओगे। एंड यू कैन ऑल्सो कोई भी लोकेशन, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को लास्ट में या फिर फर्स्ट में, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट अपना स्टार्ट होता है वहीं से आप लोग उसको एंटर यानी कि टेक्स्ट को एंटर करना है। आप लोग कोई भी दो पैराग्राफ के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में भी आप लोग उसको एंटर करवा पाओगे। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इंसर्ट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट और बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। नाउ सेविंग द डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट, देयर इज़ द सिंपल वे, इज़ द सिंपल वे इज़ कंट्रोल एस। क्या है वे, कंट्रोल एस टू सेव द डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपको कोई भी फाइल को सेव करना है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए या फिर फ्यूचर कॉपी के लिए, तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल एस, यानी कि दैट इज़ द सेव ऑप्शन, जिसके थ्रू आप लोग अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को उसके थ्रू सेव करवा पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन गो टू द ऑप्शन सेव, द सेवेज पेन अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड। यानी कि आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा, सेवेज पेन, यानी कि एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, कंप्यूटर या फिर डबल क्लिक ब्राउज द राइट पेन, कि आपको जिस लोकेशन पे उसको सेव करना है उस लोकेशन को पहले फाइंड आउट कर लो, उसको सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद वहाँ पर आपको टाइप ऑफ फाइल नेम, जहाँ पर आपको अपना फाइल नेम जो भी आपको रखना है आप लोग वहाँ पर रखवा पाओगे। एंड क्लिक ऑन द सेव बटन, क्या क्लिक करोगे, सेव बटन को क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो डॉक्यूमेंट या फिर आपका जो फाइल हो, आपकी जो फाइल होगी वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो हर बार आपको, एक बार अगर आप लोगों ने उसको कर दिया है सेव, तो हर बार आपको वापस यही सारी प्रोसेस करनी नहीं पड़ेगी, बट उसकी जगह पे क्या हम लोग यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा भी रहता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेव ऑटोमेटिक, कुछ थोड़ा बहुत लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ सेव हो जाएगी, तो उसके थ्रू भी हम लोग उसको सेव करवा सकते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेव ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉन्ट स्टाइलिंग, हाउ टू स्टाइल द फॉन्ट, फॉन्ट को कैसे हमें स्टाइल करना है, किस तरीके से हम उसको स्टाइल दे सकते हैं, किस तरीका उसमें कौन कौन सी स्टाइल आती है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अ फॉन्ट स्टाइल इज यूज टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट विथ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन। यानी कि अगर कोई भी टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है तो उसको अगर बोल्ड करना है या फिर इटैलिक फॉर्मेट करना है या फिर अंडरलाइन फॉर्मेट करना है, तो आपके होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप में आपको ये सारी चीज़, यानी कि तीनों की तीनों चीज़ आपको वहाँ पर दी गई होगी, जिसका डेमो यहाँ पर आपको दिया गया हुआ है। गो टू द फर्स्ट होम मेनू, देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप, उसमें आपको बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, दी गई होगी, जिसके थ्रू हम लोग उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बोल्ड, द शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड इज कंट्रोल बी। यस, व्हेनेवर यू स्पीक द शॉर्टकट की नेवर कॉल द प्लस, कंट्रोल प्लस बी ऐसे बोलना नहीं है, बट यू कैन स्पीक द कंट्रोल बी, यानी कि आप लोग क्या बोलोगे, कंट्रोल बी। प्लस इज द जॉइन, प्लस का मीनिंग क्या है, दो की को एक साथ प्रेस करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लस। नाउ बोल्ड, इट मेक्स द टेक्स्ट डार्कर देन रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ये क्या करे, जितना भी टेक्स्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा उसको ही वो डार्क यानी कि डार्कर बनाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट से वो ज्यादा बोल्ड बनाएगा। सिलेक्ट द डिजायर टेक्स्ट ऑन द होम टैब एंड गो टू द होम टैब इन द फ्रंट फंड ग्रुप, देन क्लिक ऑन द बोल्ड बटन, अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू क्लिक ऑन द कंट्रोल बी, यानी कि आप लोग कीबोर्ड में से भी आप लोग उसको शॉर्टकट की के थ्रू भी उसको बोल्ड करवा सकते हो। नेक्स्ट वन इज इटैलिक, शॉर्टकट की इज कंट्रोल आई, क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल आई। इट मेक्स द टेक्स्ट स्लैंटिंग टू द राइट, यानी कि ये क्या करेगा इटैलिक फॉर्मेट, कि आपका जो टेक्स्ट है उसको राइट हैंड साइड से थोड़ा सा घुमाएगा, यानी कि उसको स्लैंट करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लैंटिंग द टेक्स्ट। सिलेक्ट द डिजायर टेक्स्ट एंड ऑन द होम टैब एंड इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द इटैलिक बटन, यानी कि पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, जो भी आपको इटैलिक फॉर्मेट में चेंज करना है उसको पहले सिलेक्ट करो, फिर
एक ऑप्शन ये भी है, होम टैब में जाओ और फॉन्ट ग्रुप में जाके इटैलिक बटन को प्रेस करवा दो, या फिर आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल यानी कि उसकी जो शॉर्टकट की है उसको वहाँ पर यूज़ करोगे, तो भी आपकी जो भी फॉर्मेट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। द लास्ट वन इज़ द अंडरलाइन, इट मेक्स द टेक्स्ट अंडरलाइन, यानी कि ये चीज़ क्या करेगी, ये शॉर्टकट उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, यानी कि क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल यू। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप लोगों ने जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा उसके अंडर यानी कि उसके डाउन साइड वो अंडरलाइन करेगा, जैसे हम लोग करवाते स्कूल पे कोई भी इम्पोर्टेंट या फिर कोई भी डेफिनेशन होती तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरलाइन दिस सेंटेंस। तो उसी तरीके से जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उसके नीचे वो अंडरलाइन करेगा। सो नाउ सिलेक्ट द डिजायर टेक्स्ट इन द गो टू द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द अंडरलाइन बटन, यानी कि अंडरलाइन बटन को क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो भी आपकी अंडरलाइन हो जाएगी। बट नाउ यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट ऑन द अंडरलाइन बटन एंड सिलेक्ट द अदर ऑप्शन, यानी कि अंडरलाइन के भी कई सारे ऐसे ऑप्शन है जिसको आप लोग देखोगे जैसे अपने कंप्यूटर पे, तो सभी के सभी ऑप्शन आपको पता जाएगा कैसे हमें अंडरलाइन चाहिए, किस कलर में चाहिए, किस तरीके यानी कि उसको डार्क में चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉन्ट। अ फॉन्ट इज द शेप और लुक ऑफ द टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर, यानी कि फॉन्ट क्या करेगा, आप लोगों ने जो भी लिखा है उसको कैसे फॉन्ट, कैसे हमें फॉन्ट्स यहाँ पे सेट करने हैं, जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देते हैं कि हमें कैसे फॉन्ट चाहिए, चिल्डर चाहिए, चाइनीज जेनरिक चाहिए, या फिर क्लेरिस्ट रैंडम चाहिए, या फिर टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, ऐसे कई सारे आपको फॉन्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो नाउ फॉन्ट इज द शेप और लुक ऑफ द टेक्स्ट ऑन द अबव ऑन द कंप्यूटर, यानी कि फॉन्ट क्या है, इज द शेप और लुक ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का शेप भी है और उसका लुक भी है कि आपको कैसे उसको सेट करना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट, गो टू द होम टैब, क्लिक ऑन द फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, यू कैन लुक एट हियर द फॉन्ट स्टाइल, सो नाउ यू कैन सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल इफ यू डिजायर्ड लोके चूज, आप लोगों को जैसे फॉन्ट रखने हैं वैसे आप लोग यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हो। ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू आपको पता चलेगा कितने सारे फॉन्ट है और हम लोग किस तरह के फॉन्ट यहाँ पर रख सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉन्ट। नेक्स्ट वन इज फॉन्ट साइज। द साइज ऑफ द कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट रिफर्स टू द फॉन्ट साइज, यानी कि साइज ऑफ द टेक्स्ट कैरेक्टर्स यानी कि फॉन्ट की साइज जो आपके फॉन्ट में ही बगल में दी गई होती है, सो दैट इज द फॉन्ट साइज 10, 8, 9, 11, 12, दैट्स इफ यू वांट टू यूज। ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग कहाँ से उसको यूज कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर द रिफर, यानी कि आपके रिफर के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट द फॉन्ट साइज, के फॉन्ट साइज को हम लोग कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्ट द डिजायर टेक्स्ट यानी कि वापस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, हर बार आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपको अगर पहले से आपको पता है कि मुझे इतने फॉन्ट रखने हैं, उसकी साइज़ इतनी रखनी है, तो पहले से उसको सेट कर दिया करो, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसको सिलेक्ट करके वापस उसको करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। देन सिलेक्ट द डिजायर टेक्स्ट, देन गो टू द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो, देन यू विल प्रेजेंट हियर द फॉन्ट साइज हियर, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी यूज दिस साइज, बट इफ़ यू वॉन्ट टू रिटर्न बाई योर सेल्फ, अगर आपको लिखना है तो भी आप लोग अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। बट नाउ अगर हमें फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज नहीं कर उसको यूज़ नहीं करना है उस ऑप्शन को, उसके अलावा कोई दो और ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग फ़ॉन्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी करवा सकते हैं, तो उसके बगल में कैपिटल ए जो अप एरो है, यस जो आपको ट्राइंगल जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, ये जगह पे, कौन सी जगह पे, ये रहा, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रो फॉन्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, यानी कि ग्रो फॉन्ट से क्या होगा, इस बटन के थ्रू आप लोग अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हो। और सेम वे दैट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट वन इज द श्रिंक फॉन्ट। इसका मीनिंग क्या है, श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक दैट मीन्स टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज। इसका मीनिंग क्या हुआ, टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज, जो भी आप लोगों की फॉन्ट साइज होगी उसको वो डिक्रीज करवाएगा इस बटन के थ्रू, यानी कि ये दो ऐसे बटन है जिसके थ्रू हम लोग फॉन्ट साइज के बिना ही यानी कि फॉन्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट
सिलेक्ट द डिजायर्ड नंबर यानी कि फ़ॉन्ट साइज फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट, यानी कि उसके बाद अगर आपको अपने हिसाब से फ़ॉन्ट साइज को सिलेक्ट करना है तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप लोग यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग मीन्स अलाइनमेंट, कि आपको टेक्स्ट कौन सी साइड पे लिखना है, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर पे या फिर जस्टिफाई पे। दैट्स ऑलरेडी नो वेरी वेल। सो अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द पेज मार्जिन। देर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। द टेक्स्ट अलाइनमेंट इज अलाइन लेफ्ट मीन्स कंट्रोल एल, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर पे होता ही है, दैट इज मीन्स कंट्रोल एल। वो चीज़ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, गो टू द होम टैब इन द पैराग्राफ मेनू, यस पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट थर्ड वन, इन द फोर्थ वन इज द जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी कि फोर अलाइनमेंट्स ऑफ द टू टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेक्स्ट को वो अलाइन करने की। बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट कौन सी साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट को यूज़ करता हूँ तो वो सारा का सारा टेक्स्ट मुझे कहाँ पर मिलेगा, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसके सेंटर में, यानी कि बीचों बीच। अगर मैं राइट अलाइनमेंट को यूज़ करता हूँ तो वो चीज़ मुझे कहाँ पर मिलेगी, राइट हैंड साइड से मिलेगी, यानी कि उसका स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से होगा लिखना। इन द लास्ट वन इज द जस्टिफाई, वो क्या करेगा, जस्टिफाई इन द बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड विल बी सेम स्पेस एंड देन विल बी ओके राइट डाउन द दिस थिंग। सो अलाइन लेफ्ट दैट मीन्स कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल आर और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट कौन सी साइड पे होगा, अलाइन लेफ्ट एंड अलाइनमेंट, यानी कि लेफ्ट अलाइन की साइड पे आपका टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट रहेगा। सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक ऑन द डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन, यानी कि आप लोग अपने हिसाब से उसको कोई भी पैराग्राफ लिखोगे, उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ कौन सी अलाइनमेंट आप लोगों ने लिखा है। तो वन बाय वन आप लोग चेंज करते रहना कि फर्स्ट हम लोगों ने कोई भी पैराग्राफ लिखा है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड बाय डिफॉल्ट तो है ही आपका, फिर उसको सेंटर में करना सिलेक्ट करने के बाद, फिर राइट हैंड साइड करना एंड देन यू विल बी प्रेस ऑन द जस्टिफाई, यानी कि चारों की चारों अलाइनमेंट आपको यूज करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फेवरेट टॉपिक इज कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। यस कॉपिंग द टेक्स्ट मीन्स टू मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और डेटा एंड पेस्ट इट टू सम अदर लोकेशन। यस कि कॉपी पेस्ट हम सभी को पता है कि क्या होता है उसका मीनिंग, बट यहाँ पर कौन सी किसकी बात हम लोग करने वाले है, टेक्स्ट की। कि अगर हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना है उसकी कॉपी हमें दूसरे डॉक्यूमेंट पे या फिर दूसरे लोकेशन पे उसको सेव करनी है तो वी कैन यूज द कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि पहले टेक्स्ट यानी कि जो भी डेटा या फिर जो भी टेक्स्ट होगा उसको पहले कॉपी करो सिलेक्ट करके, फिर दूसरे लोकेशन पे जाके उसको वहां पर पेस्ट करवा दो। मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू मूव द टेक्स्ट और डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मूविंग मीन्स दैट इज द मीनिंग ऑफ कट पेस्ट, उसका मीनिंग क्या होता है, कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट मीन्स कॉपी एंड पेस्ट एंड मूविंग मीन्स कट प्लस पेस्ट उसके हिसाब से। सो एक लोकेशन से वो डेटा यानी कि जो भी आपका डेटा होगा या फिर जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको एक लोकेशन से वहां से उठा के दूसरे लोकेशन पे भेजना, दैट इज द मीनिंग ऑफ मूविंग द टेक्स्ट। नाउ फर्स्ट सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट, क्लिक ऑन द कॉपी, अदरवाइज यू कैन प्रेस द कंट्रोल सी ऑन योर कीबोर्ड। कंट्रोल सी इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी, देन और मूव की शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल एक्स टू मूव बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, यानी कि क्लिपबोर्ड बोर्ड में यहाँ पे देखो होम मेनू में आपको क्लिपबोर्ड दिया गया है। सो द सेकेंड ऑप्शन इज द यानी कि ये वाला ऑप्शन जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो है कॉपी का, जो आपको सीजर जैसा दिखाई दे रहा है वो कौन सा ऑप्शन है यानी कि आइकॉन है, वो कट का आइकॉन है, और जो यहाँ पर पेस्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द मीनिंग ऑफ पेस्ट, यानी कि कॉपी दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी द पेस्ट, देन कट दैट इज द मीनिंग ऑफ मूविंग, यानी कि कॉपी पेस्ट में क्या रहेगा, सेम टू सेम डेटा दूसरे लोकेशन पे वो चीज सेव मिलेगी, और मूविंग में क्या होगा कि वहां से डेटा हम लोगों ने उठा के वहां पर दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करवा दिया। ये सारी की सारी चीज आपको कहां पर मिलेगी, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको ये चीज देखने को मिलेगी जो आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग हेड सॉरी
You can use the same method to copy and paste other objects like clip art, image, auto shapes, etc. You will learn about this object in the next chapter. यानी कि आगे आप लोगों ने already chapter में देख लिया है कि how to copy and paste, कि कोई भी image को या फिर clip art को या फिर कोई भी shape को अगर हमें दो को copy करना है, यानी कि उसकी दो copy चाहिए, तो हम लोग कैसे उसको use करते हैं, control C और control V के through. Now, inserting header and footer. That's already you learn in the Microsoft Word section. यानी कि वो lesson में आप लोगों ने already पढ़ चुकी हो how to insert the header and footer. In a multiple page, if we need to insert any information which is common across the page, such as title of the book, page number, logo of the company, etc. यानी कि अगर मल्टी पेज की कोई भी बुक है तो वहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कॉमन होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो हर एक पेज पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NSQF लेवल 2X, यानी कि इस पेज में भी वो आपको देखने को मिलेगी. तो हर एक पेज में ये चीज़ क्या हो गई, कॉमन हो गई. तो हम लोग कितनी बार वो चीज़ लिखेंगे, कॉपी पेस्ट तो हर बार हम लोग हर पेज में जाके नहीं करेंगे, पर उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हेडर या फुटर में वो चीज़ हम लोग उसको लिखवा देंगे, ताकि हम लोग कभी भी अगर नया पेज हम लोग लिखते हैं या फिर उसमें टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी, तो वहाँ पर हमें हर बार लिखने की ज़रूरत रहेगी नहीं. तो दैट इज़ द कॉमन थिंग्स. तो हमें वो चीज़ हर बार लिखनी नहीं, बट उसको एक ही बार सेट करके हमें वो सारी की सारी चीज़ हर पेज में, यानी कि सभी पेज में चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग उसको लिख लेंगे. जैसे कि टाइटल ऑफ द बुक, यानी कि बुक का टाइटल, पेज नंबर, लोगो ऑफ द कंपनी, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ कैसी है, हेडर और फुटर में ऐड करने जैसी है. वी कैन इंसर्ट देम इन हेडर एट द टॉप ऑफ द पेज और फुटर इन एट द बॉटम ऑफ द पेज. यानी कि हेडर कहाँ पर आएगा, टॉप ऑफ द पेज, यानी कि इस बुक में हेडर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये हेडर हो गया. और आपका जो फुटर होगा, यानी कि बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि ये बॉटम हो गया, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको लिखने की पड़ी ज़रूरत रहेगी. नाउ अब बारी किसके आती है, हेडर में क्या लिखेंगे और फुटर में क्या लिखेंगे. सो नाउ कंटेंट्स ऑफ द हेडर एंड फुटर अपीयर जनरली ऑन ईच पेज अनलेस यू चेक द ऑप्शन डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस अंडर डिजाइन टैब. कि अगर हमें कोई भी फर्स्ट पेज, कोई भी नया लेसन स्टार्ट होता है तो वो नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए. कोई भी आधा लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हम लोग आधे वही उसी पेज से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट पेज से वो, यानी कि नेक्स्ट जो भी आपका न्यू पेज होगा उसी से वो चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए. अगर आपको जनरली कोई भी चेंजेस चाहिए तो दो तरीके से आप उसको चेंजेस कर सकते हो. फर्स्ट वन इज डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस अंडर द डिज़ाइन टैब. उसके थ्रू भी आप लोग वहाँ पर डिज़ाइन के थ्रू वहाँ पर उसको चेंज करवा सकते हो. टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन द, हर बार मैंने बोला है कि अगर इंसर्ट वर्ड आता है तो आपका कौन सा टैब यूज होना चाहिए, इंसर्ट टैब. कि यहाँ पर आपके होम टेबल के, होम टैब के बगल में ही वो दिया गया होता है. अगर किसी भी जगह पे इंसर्ट बटन आया, यानी कि इंसर्ट वर्ड आता है, तो तुरंत आपका मेन फोकस कहाँ पर आ जाना चाहिए, इंसर्ट मेनू में, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा. देन इंसर्ट हेडर एंड फुटर, फर्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, उसमें जाके इंसर्ट हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिया होगा, जिसके थ्रू यूज ड्रॉप डाउन हेडर एंड फुटर टू सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉर्मेट. यू कैन सिलेक्ट द पेज नंबर ड्रॉप डाउन टू इंसर्ट द पेज नंबर. डिफरेंट टाइप्स के आपके पेज नंबर भी होंगे, वहीं से आप लोग उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो. यस, अदरवाइज डबल क्लिक ऑन द, कहीं बार ऐसा होता है चलो मैं यहाँ पे मेनू में नहीं जाना है, किसी तरह के उसको सिलेक्ट नहीं करना है, तो भी हम लोग उसको हेडर या फुटर ऐड करवा सकते हैं. यानी कि जो ये आपका ब्लैंक पोर्शन है, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट के आपका जो ये ब्लैंक पोर्शन है, वहाँ पर जाके माउस के थ्रू डबल क्लिक करोगे तो भी आपका हेडर एंड फुटर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका वहाँ पर लोकेशन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा. तो आपको वो चीज़ हर बार, यानी कि इंसर्ट मेनू में जाने की ज़रूरत रहेगी नहीं. जैसे ही दूसरे पेज में आप लोग क्लिक आउट करोगे, यानी कि आपका जो मेन पेज वर्क होता है वहाँ पर क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिक वो डीएक्टिव भी हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ द ऑटो करेक्ट फीचर. ऑटो करेक्ट अलाउज टू क्रिएट शॉर्ट वर्ड्स दैट एक्सपांड इन एक्चुअल लॉन्गर वर्ड और फ्रेज टू इजी डाउन द एफर्ट ऑफ टाइपिंग. यस, कि ऑटो करेक्ट क्या है, कई बार हम लोग आधा स्पेलिंग लिखते हैं लेकिन वो पूरा स्पेलिंग हम लोगों का वो ऑटोमेटिक हमें लिख के दे देता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो करेक्ट. जो आप लोग रेगुलरली व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों ने दो तीन वर्ड्स लिखे लेकिन ऑटोमेटिक उसका पूरा का पूरा वर्ड वहाँ पर आ ही जाता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल,
While making your project report, if you are going to use a word such as entrepreneurship, then you can define a short term for it like ENT. When you type ENT, it will automatically expand into entrepreneurships. Yes, तो कई बार आप लोग ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, कोई भी रिपोर्ट बनाते हो जिसमें आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड कहीं बार आता होगा, यस, कि एक ही पैराग्राफ में दो तीन बार, तो आप क्या करोगे, तो ENT जब भी उसकी शॉर्ट टर्म ENT लिखोगे तो ऑटोमेटिक उसका पूरा का पूरा वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर दिए गए जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सो इन फाइल टैब क्लिक ऑन ऑप्शन, ऑप्शन मेनू, इन द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स गो टू द प्रूफिंग सेक्शन। यस, यानी कि आपको कहाँ पर जाना है, फाइल टैब में, यानी कि जो आपकी फाइल टैब है यहाँ पर, यस, ये आपको दिखाई दे रही है, उसमें आपको जाना है। उसमें ऑप्शन का एक ऑप्शन रहेगा जिसको आपको सिलेक्ट करना है। उसमें एक डायलॉग बॉक्स, जब भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और प्रूफिंग का ऑप्शन यानी कि प्रूफिंग का सेक्शन आ जाएगा। उसमें आप क्लिक करोगे तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको क्या करना है। सो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दिस डायलॉग बॉक्स इन रिप्लेस फील्ड टाइप द स्मॉल टर्म लाइक ENT एंड विथ फील्ड टाइप द एक्चुअल लॉन्ग टर्म लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑटोमेटिक वो दोनों चीज़ आप लोग लिख लोगे तो जब भी आपको पैराग्राफ में किसी भी जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड आता होगा तो जैसे आप लोग ENT लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको हेल्प करेगा, पूरा का पूरा वर्ड वहाँ पर आपको दिखा देगा। सो ओके, all the dialog box and try out your new autocorrect entry, यानी कि आप लोग अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर देख के करोगे तो पता चल जाएगा how to this thing will be applied. Next one is bullets and numbering. This feature is used to list the item of points. कहीं बार हम लोग पैराग्राफ की जगह पे लिस्ट बनाते हैं, यस, या फिर ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि ये लिस्ट में आपको दिया गया, तो वहां पर क्या यूज होता है, bullets and numbering. A listed text is more readable and easy to understand. अगर हम लोगों ने कोई भी चीज़ पैराग्राफ की जगह पे उसको लिस्ट के थ्रू या फिर पॉइंट के थ्रू अगर हम लोगों ने बनाई है, लिखी हुई है, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंड रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल, मोर रीडेबल रहेगी, कि सभी का वहाँ पर माइंड वहाँ पर रहेगा, इसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो सब कुछ। सो दैट इज़ द टू वेज, सो इन द बुलेट्स एंड नंबरिंग या फिर अल्फाबेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द होम टैब, होम टैब में चले जाओ, उसमें ऑप्शन आपको दिया गया होगा कौन सा, पैराग्राफ ऑप्शन में, पैराग्राफ ऑप्शन में आपको दिया गया है फर्स्ट वन इज द बुलेट्स, तो ये सभी बुलेट्स है। नन मीन्स नथिंग, देन एरो, सर्कल, डार्क सर्कल, स्क्वेयर, ऐसे राइट ऑप्शन, देन ट्राइंगल ऑप्शन, ऐसे कई सारे ऑप्शन बुलेट्स के आपके वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। सो दिस आर यूज्ड व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट टू बी फॉलोड, यानी कि बुलेट्स कहां पर यूज होते हैं, जहां पर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस यहां पर रखना नहीं है या फिर कोई भी सीक्वेंस पे ऐसी चीज नहीं आती है, वहां पर बुलेट्स को ही आप लोग यूज कर सकते हो। देन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, दिस आर यूज्ड टू शो अ सीक्वेंस ऑफ द आइटम्स टू बी फॉलोड, यानी कि ये चीज कैसी रहेगी, नंबर एंड बुलेट्स उसके बगल में ही है, तुरंत यहां पर देख सकते हो आप लोग कहां पर, ये रहा बुलेट्स के बगल में, नंबरिंग एंड अल्फाबेट जो 1, 2, 3 या फिर ABCD के थ्रू वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टू शो द सीक्वेंस, कि आपको लिस्ट दिखाना है लेकिन सीक्वेंस में 1, 2, 3 ABCD उसके हिसाब से, तो वहां पर आप लोग उसको थ्रू यानी कि इस चीज यानी कि नंबर्स और अल्फाबेट्स को फॉलो कर सकते हो। सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट ऑन द होम टैब, चूज द पैराग्राफ ग्रुप, बुलेट्स एंड नंबरिंग बटन, देन यू कैन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुलेट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ क्रिएटिंग अ टेबल, क्रिएटिंग मीन्स इंसर्टिंग अ टेबल, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू इंसर्ट द टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। टेबल आर यूज टू रिप्रेजेंट अ गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि टेबल क्या है, वो हम लोग क्यों यूज करते, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी आपका डेटा है उसको हम लोग किस कौन से फॉर्म में दिखाएंगे, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन इफेक्टिव वे, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कहाँ पर होता है, जो भी हमें डेटा इफेक्टिव वे यानी कि इफेक्टिवली दिखाना है वहाँ पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अ रो इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ द सेल इन अ टेबल, रो का मीनिंग क्या होता है, रो एंड कॉलम दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही टेबल आपका क्रिएट होगा। नाउ अब बारी आती है रो की, रो इज अ हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल,
यानी कि रो का मीनिंग क्या होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल सीरीज है यानी कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट जैसा। सो उस सेल को कंबाइन करके आपका क्या बनेगा, रो बनेगा। नाउ कॉलम, कॉलम दैट इज अ कॉलम इज द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स, यानी कि वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम उसके हिसाब से। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स। यू ऑलरेडी नो अबाउट द टेबल बट दैट इज द मीनिंग ऑफ रो एंड कॉलम। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम मेक्स अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड अ सेल, यानी कि इंटरसेक्शन किसका, रो एंड कॉलम का। जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। यस, सो द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम मेक्स अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड अ सेल। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल। अंडरलाइन दिस थ्री सेंटेंस, रो, कॉलम एंड सेल, द डेफिनेशन ऑफ रो, कॉलम एंड सेल। नाउ हाउ टू इंसर्टिंग अ टेबल, टेबल को कैसे इंसर्ट करना है। वापिस वर्ड आया इंसर्ट, सो आपका ऑप्शन कहाँ पर जाना चाहिए, इंसर्ट मेनू में। गो टू द इंसर्ट टैब, इन द टेबल्स ग्रुप, टेबल बटन, इंसर्ट टेबल ऑप्शन। यस, जैसे आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट अगर दो तीन रो या फिर दो तीन कॉलम को बनाना है तो उसको ड्रॉ करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर इंसर्टिंग टेबल को बॉक्स को अपीयर करके, यानी कि जो बॉक्स आपको दिया गया है जिसमें आपको हर बार लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। यस, तो आपको वहाँ पर लिख के भी आप लोग टेबल को बना सकते हो। जब भी ओके बटन को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ यानी कि टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा।